गाइस सबसे पहले आप साइट पे मेरा एक पेज देखो, जिस पेज पे यार मैंने सारा क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया। लाइक इस पेज पे पॉलिसीज भी आया था, उसको भी यार मैंने रिमूव कर लिया। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मैंने जब एस्टीमेट को रिव्यू में जब भेजा तो यार ये रिव्यू में 3-4-5 दिनों से रिव्यू में ही है, ठीक है, लेकिन मोनेटाइज मेरा ये पेज नहीं हो रहा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है और आपका पेज भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, रिव्यू में जाके अटक गया है, तो भाई आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम एक बार भाई और हुआ था, लेकिन उस बार मैंने इसको इजीली सॉल्व कर लिया था। और इस बार भी मेरे को पता है कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत लोग इससे परेशान रहते कि आखिर में भाई अगर रिव्यू में जाके फंस गया है तो इसको कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे अपने पेज को यार मोनेटाइज करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले जाके आप लोगों को दिखा देता हूं, मोनेटाइजेशन पे ले जाता हूं। तो यहां देखो ऊपर पे अर्निंग मोनेटाइजेशन स्टेटस पे देख सकते हो, सारा कुछ मेरा पेज का ग्रीन है, ठीक है। और इस पेज पे योर टूल्स पे देख सकते हो स्टार मेरे को मिला हुआ है, ठीक है। स्टार पे जस्ट क्लिक करके यहां पे सारा कुछ देख सकते हो, मेरा 0 पॉइंट अभी $0, ठीक है। लेकिन भाई सबसे बड़ा जो अर्निंग का सोर्स है ना वो है यार एस्टीमेट, जो कि भाई अभी यार 3-4 दिनों से यार मेरा रिव्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये रिव्यू से ना आ रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, मतलब रिव्यू में जाके ये फंस गया है। अगर आपके साथ भी भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, रिव्यू में जाके फंस गया, ऊपर पे सबमिट फॉर रिव्यू कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके मतलब पेज पे भी दिख रहा है, तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आपका भी ये पेज अगर एस्टीमेट रिव्यू में चला गया तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, लाइक कैसे अपने पेज को मोनेटाइज करोगे और कैसे सारा कुछ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो भाई वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखना, लाइक सारा कुछ आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ आपसे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को भाई सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं फोन के स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूं, लाइक अब मैं बताता हूं कि सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्या करना है। अगर आपके पेज पे भाई ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है और आप लोग के भी मतलब 7-8 दिनों से यार आप लोग भी गाइस अगर 4-5-6-7 दिनों से वेट कर रहे हो कि भाई ये मेरा रिव्यू से आ जाएगा और ये मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है बहुत सारे ऐसे पेज है जो यार रिव्यू में यार 2-3 महीनों से यार पड़ा हुआ है, भाई रिव्यू से आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जो तरीका को अगर आप फॉलो भाई करते हो तो 10-15 दिनों के अंदर में आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा और ये रिव्यू से भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा तरीका को फॉलो करना है, लाइक कैसे फॉलो करना है ना, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है हमारा कॉपी पेस्ट क्रिएटर के लिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट डालने के बाद भी भाई उन लोगों का रिव्यू में ही पड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन उन लोगों को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि अगर ओरिजिनल आप क्रिएटर हो तो भाई कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करो, डेली बाय डेली 1-2 लाइव स्ट्रीमिंग करो और ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड जैसे कर रहे हो वैसे करो। बाकी बात आज के इस वीडियो में बहुत लोग कमेंट करते कि भाई मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और मेरा साथ ये प्रॉब्लम हो गया है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो देखो भाई आप लोग को भी लिए तरीका मैं बता रहा हूं कि आप लोग को करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पेज पे कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपका नहीं है, जो दूसरे का आपने कॉपी पेस्ट किया है, सबसे पहला तो आप लोग को ये गलत काम करना है कि भाई वो सब कंटेंट को डिलीट करना है, ठीक है। एक भी आपके ऐसा कंटेंट नहीं रहना चाहिए, लाइक एक भी ऐसा फोटो तक भी नहीं रहना चाहिए जो दूसरे का है, जो आपने किसी का कॉपी किया है, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब रहता है तो भाई यार फेसबुक नहीं आपके पेज को मोनेटाइज करेगा और ना ही रिव्यू से आपको भेजेगा। पॉलिसी तो आपने सॉल्व किसी तरीके से कर लिया, लेकिन अगर आप रिव्यू में भेज रहे हो तो यार आपको रिव्यू में ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जितने भी अदर कंटेंट को आपने कॉपी पेस्ट किया है तो सारे कंटेंट को डिलीट करना और फोटो भी देखना भाई, फोटो भी डिलीट करना, क्योंकि अभी के टाइम पे यार फोटो पे भी पैसा बन रहा है, तो यार फोटो भी फेसबुक चेक करता है कि भाई किसका फोटो है नहीं है, सारा कुछ भाई फेसबुक एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा अभी के टाइम पे स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब सारा कुछ चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों तक डेली 2-3 लाइव स्ट्रीमिंग करना, मतलब जितना लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो उतना भाई लाइव स्ट्रीमिंग कर दो। एक बार आपका अगर पेज मोनेटाइज हो गया तो अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग को डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन 5-6 लाइव स्ट्रीमिंग तो रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो भाई ये सब गलतियों को आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोगों को जितना भी मैंने तरीका बताया अगर ये सब तरीका को भाई अगर आप फॉलो करोगे, लाइव स्ट्रीमिंग करोगे, लाइक सारा कुछ अपना ओरिजिनल डालोगे तो भाई 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये ज्यादा ओरिजिनल क्रिएटर
क्रिएटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जितने कॉपी पेस्ट क्रिएटर हैं उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक मैंने आपको जो पेज दिखाया, मैं भी यार कॉपी पेस्ट करता हूं और मैं भी यार ये कॉपी पेस्ट का ही पेज आप लोगों को जो शो किया हूं और मेरा स्टीम एड जो है रिव्यू में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ ये सब तरीकों को ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये करना होगा कि भाई आपने जितने भी कॉपी पेस्ट कंटेंट को अपलोड किया है सारे कंटेंट को डिलीट करो। अगर फोटो अपलोड किया तो भाई फोटो को भी डिलीट करो, ठीक है। अगर आपने रील्स कुछ भी मतलब अगर दूसरे का आप अपने पेज पे अपलोड किया हो ना तो भाई डिलीट ही कर दो, ठीक है। और अपना खुद का डीपी लगाओ, अपना खुद का भाई वीडियो अपलोड करो, ठीक है। सारा कुछ ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करो। लाइक उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद 100% ये प्रॉब्लम देखने के लिए सॉल्व हो जाएगा। और बाकी बात मैंने यार 2-3 पेजों पे सॉल्व भी किया, लाइक मैंने दूसरे का पेज पे भी सॉल्व किया, लाइक मैंने अपना पर्सनल एक पेज पे कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, ठीक है। बाकी और फिर से मेरे ये भी जो आपने पेज देखा ये भी मेरा एक पर्सनल पेज था, ठीक है, मेरा ही पेज है और मेरे पेज पे ये प्रॉब्लम आ गया। लाइक मैं जितने तरीके आप लोगों को बताया सेम यही तरीका को बस फॉलो करूंगा और मेरा पेज भाई हो जाएगा मोनेटाइज। लाइव प्रूफ में अभी ये भी चीज आप लोगों को जब ये ठीक हो जाएगा तो कुछ वीडियो के बाद ये भी वीडियो आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी बात मैंने आपको सारा कुछ A to Z आप लोगों को जानकारी दे दिया कि अगर आपका भी इंस्ट्रूमेंट अगर रिव्यू में है तो इसको कैसे रिव्यू से आप ला सकते हो और कैसे अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो, क्या क्या आप लोगों को काम करना है, कौन सा गलतियों को नहीं करना, ठीक है। तो गाइस आई होप मेरे वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाई पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज भाई एक लाइक करना एंड मेरे चैनल पर हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।